विद्युत अभियंता के पद पर कार्यरत है। आपके साथ उपन्यास, 8 कहानी संग्रह, 37 काव्य संग्रह और 14 बच्चों की पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। आपको विभिन्न पुरस्कारों से सुशोभित किया गया है, जैसे अमेरिकन एम्बेसी द्वारा आयोजित काव्य प्रतियोगिता में गुलजार जी द्वारा पुरस्कार, महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा सोहनलाल द्विवेदी पुरस्कार, रविंद्रनाथ टैगोर अंतर्राष्ट्रीय काव्य पुरस्कार, रेल मंत्रालय द्वारा प्रेमचंद्र पुरस्कार, वो भी 3 बार, विच इज़ रियली कमांडेबल, चिल्ड्रन ट्रस्ट द्वारा पुरस्कार, पोएट्री सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा हिंदी काव्य प्रतियोगिता में द्वितीय पुरस्कार, ह्यूमैनिटी अंतर्राष्ट्रीय विमेन अचीवर पुरस्कार, और इनके द्वारा लिखे गए गीत मेरे साजन सुन सुन को रेडियो सिटी द्वारा फ्रीडम पुरस्कार इत्यादि, विच इज़ रियली रियली इंस्पिरेशनल। आपके कार्य को सराहते हुए एक वर्ष में सबसे अधिक पुस्तक प्रकाशन हेतु लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा आपको मान्यता मिली है। नीलम जी को फोर्ब्स मैगजीन द्वारा 2014 के देश के 78 प्रख्यात लेखकों में से नामित किया गया है। सो नीलम, दिस इज वेरी 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 कमांडेबल। और मैं अभी जो हमारे अन्य अतिथि हैं उनके लिए एक एक करके हम परिचय देंगे, तो मैं बुलाना चाहूँगी हमारे मित्र विवेक तिवारी जी, जो हमें अनूप जी के बारे में परिचय देंगे। थैंक यू सुजाता, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग टुडे। आई एम सो सॉरी, आई शुड स्पीक इन हिंदी। यहाँ आने के लिए धन्यवाद, एंड सुजाता ये मौका देने के लिए धन्यवाद। मैं माननीय अनिल पांडे जी का जो है परिचय देना चाहूँगा, जो एक सिविल इंजीनियर हैं और भारतीय रेलवे में कार्यरत हैं। इसके साथ साथ इनका रुचि जो है साहित्य में है, और साहित्य में जो है ये सिर्फ कविताएं और कहानियां ही नहीं लिखते, कभी कभी व्यंग का भी तड़का लगाते हैं, और बेसिकली बहुत सहज जीवन जीने में विश्वास करते हैं। और सबसे अच्छी बात है एक लेखक के तौर पर कि आसपास होने वाली चीज़ों की गहराइयों को ऑब्जर्व करते हैं, बहुत ही बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं, और उसके ऊपर जो है इनका अपनी रचनाएं होती हैं जो कविता के रूप में बाहर आती हैं। तो अगर आप देखें डॉक्टर पूर्णिमा त्रिवेदी के साथ इनके संपादित द्विभाषी काव्य संकलन ओम गण गणपति नमः एवं कृष्णाष्टक छप कर तैयार है, अनूप जी के 2 एकल काव्य संकलन एहसास एवं हृदय स्पर्श छप चुके हैं, जो अपने काव्य शिल्प का प्रभाव अपने पाठकों पर छोड़ते हैं। अनूप जी ने कवि कालिदास के महाकाव्य मेघदूत का काव्यानुवाद किया है, जो बहुत जल्द ही हम सभी के लिए उपलब्ध होगा। धन्यवाद अनूप जी आने के लिए।